पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर किस तरह जुल्म होता है यह पूरी दुनिया से छिपा नहीं है। धार्मिक कट्टरता के चलते पाकिस्तान में दूसरे धर्म के लोगों का रहना मुश्किल है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को परेशान करने के लिए इस निंदा कानून बेहद आसान जरिया है। हाल में लाहौर की एक अदालत ने फैक्ट्री में काम करने वाले ईसाई व्यक्ति को मौत की सजा सुना दी। 37 साल का आसिफ परवेज 7 साल से ईश निंदा के आरोप में जेल में बंद था। आसिफ जिस फैक्ट्री में काम करता था वहां के सुपरवाइजर मोहम्मद सईद खोखर ने 2013 में उसके खिलाफ ईश निंदा का आरोप लगाया था। आसिफ पर आरोप था कि उसने इस्लाम विरोधी मैसेज किए। वहीं दूसरी तरफ मौत की सज़ा पाने वाले आसिफ ने सुनवाई के दौरान कहा था कि सुपरवाइज़र उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डाल रहा था। बात नहीं मानने पर सुपरवाइज़र ने उस पर ही ईश निंदा का आरोप लगा दिया। यूनाइटेड स्टेट के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कमीशन के अनुसार पाकिस्तान की जेलों में करीब 80 लोग ईश निंदा कानून के तहत कैद हैं। इनमें से आधे लोगों को उम्र कैद और फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है। पाकिस्तान में इस कानून का इस्तेमाल करके अल्पसंख्यकों हिंदू और ईसाइयों को धमकाने और फंसाने का काम किया जाता रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1990 के बाद अब तक पाकिस्तान में इस कानून के जरिए 77 लोगों को मार दिया गया। आइए आपको बताते हैं क्या है ईश निंदा कानून। पाकिस्तान में ईश निंदा कानून का मतलब है कोई भी इंसान अगर पैगंबर इस्लाम और कुरान के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसे उम्र कैद या मौत जैसी सजा दी जाती है। ईश निंदा कानून के मामले में पाक में आसिया बीबी का केस सबसे ज़्यादा चर्चित रहा था। 2010 में पड़ोसियों से झगड़ा होने के बाद आसिया बीबी पर ईश निंदा के आरोप लगाए गए थे। हालांकि तमाम विरोध प्रदर्शनों के बाद 2018 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आसिया को बरी कर दिया था। ईश निंदा कानून के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इसी तरह तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।